हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलम व्लॉगर। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है मुझे घर के ढेरों काम, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है आज, तो मुझे मावा निकालना है, मतलब मावा बनाना है, और मुझे बनाने वरकुल्ले, यानी कि होली आ रही है तो वरकुल्ले थोड़े दिन पहले बनाए जाते हैं, तो मुझे आज वो भी बनाने हैं। और घर के तो काम जो होते हैं वो तो होंगे ही। तो पहले मैं आ गई थी अपने रूम की डस्टिंग और क्लीनिंग करने, क्योंकि मैं नीचे की डस्टिंग और क्लीनिंग करके आ चुकी थी। ये ब्लॉग मेरा 10 बजे मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं अपने रूम में आ गई थी अपने रूम की डस्टिंग और क्लीनिंग करने के लिए। यहाँ पे मैंने अपना पूरा बेड को सेट कर दिया है, और उसके बाद मैं अपने रूम में लगा दूंगी। बहुत अच्छे से पोछा, और जब एक बार क्लीनिंग और डस्टिंग हो जाती है ना, तो फिर रूम तो बिल्कुल साफ पड़ा ही रहता है, क्योंकि हम लोग आधे से ज़्यादा टाइम नीचे रहते हैं, तो इसलिए रूम हमारा क्लीन ही रहेगा शाम तक। फिर उसके बाद मैं लगा दूंगी आंगन में पोछा, और उसके बाद मैं कर दूंगी जीने की भी सफाई, क्योंकि जीने पे ना बहुत धूल हो रही थी, तो झाड़ू से ना कितना भी साफ कर लो पर मिट्टी पूरी तरह से नहीं निकल पाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस पर भी पोछा लगा दूँ। अभी आएगा वो क्लिप, आप देखिएगा। लेकिन मुझे पीहू ना कंटिन्यू परेशान कर रही थी पोछा लगाते टाइम, तो बहुत तेज़ मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मिट्टी के चप्पल हो रहे थे उसके, वो निकालने के लिए भी तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल से उसको मनाया मैंने, फिर वो चली गई नीचे, और अब मैं अपने जीने की कर दूँगी अच्छे से सफाई। उसके बाद मैं फ्रेश होने के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे मावा बनाना था, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है। दूध ना काफ़ी बच रहा था, ख़त्म होने में नहीं आ रहा था, तो पापा ने दूध को इकट्ठा करने के लिए बोल दिया, और ये आप देख सकते हो कितना सारा दूध इकट्ठा कर रखा था मैंने। तो मैंने जो है कढ़ाई में दूध को पलट दिया है, और मैं दूध रख के आ गई थी गाय की तरफ। तो मैं स्लो आंच करके आई थी, तो मुझे बनानी थी वरकुल्ले पीहू के लिए, तो यहाँ पर मैं वरकुल्ले बना रही हूँ। पहली बात तो मुझे बनाना नहीं आता था, तो मैंने अपने देवर से पूछा, और एक मेरी सिस्टर इन लॉ थी, मैंने उनसे पूछा, वो पास की लड़की थी, तो पहले उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, फिर उसके बाद में मैंने इन सबको बनाया। आप देख सकते हो ये पान बनाया था मैंने, और ये छोटा सा वरकुल्ला बनाया था, और अब ये बना रही हूँ मैं जीप। इसको जीप बोलते हैं, मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा सुनने में, इसको जीप बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, पर इसको जीप ही बता रही थी वो। तो इस तरीके से ये सेट, इसको इस तरीके से सेट कर देंगे, और एक ना फिंगर की हेल्प से आप इसमें एक छेद कर सकते हो, ताकि ये जब एक रस्सी में पिरो जाए तो एक माला बन जाएगी, और जहाँ पे होली वगैरह यहाँ पर रखी जाती होंगी, तो वहाँ पर ये मालाएं वगैरह चढ़ा देंगे। और यहाँ पर ये मैंने होली बना के तैयार कर दी है। और मैं आ गई थी उसके बाद घर पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूध काफ़ी अच्छे से कट चुका है, तो अब इसको कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि अब ये लास्ट प्रोसेसर पे है, और उसके बाद मैं कर लूँगी पूजा शाम की। तो यहाँ पे मैं अपनी शाम की पूजा करके फिर चलूँगी मैं खाना बनाने के लिए किचन में, और वो मावा भी ठंडा हो जाएगा, तो मैं उसको पलट के रख दूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर कर लेती हूँ पूजा। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे मावा ठंडा हो गया था, तो मैंने उसको पलट के फ्रिज में रख दिया है, और यहाँ पर मैंने कुकर को गैस पे रख दिया, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मसूर दाल और चावल। तो यहाँ पर मैंने चावल को धो के हाथों हाथ पानी के साथ रख दिया था, फिर उसके बाद मैंने धो के मसूर को इसमें कुकर में डाल दिया, पानी उबल चुका था, तो फिर उसमें मैं डाल दूँगी नमक और थोड़ा सा तेल, और 5 सीटी आने तक हम इसे बंद करके रख देंगे।
यहाँ पर मेरे चावल बनके तैयार हो चुके थे, तो मैं उसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल दूंगी और यहाँ पर मैं प्याज कटिंग करूंगी क्योंकि दाल बननी ही वाली है। और यहाँ पर इसके पापा आ गए हैं दूध निकाल के, तो वो मुझसे कह रहे हैं कि मेरे लिए चाय बना दो, तो मैंने उनके लिए बना के यहाँ पर रख दी है चाय। तो पापा और वो आ गए थे, तो पापा को भी थकान महसूस हो रही थी, तो उन्होंने कहा मेरे लिए भी चाय बना दो, तो मैंने उन्हें चाय बना के दे दी है। और अब मैं फ्राई कर लूँगी अपनी दाल को। तो यहाँ पर मेरी दाल बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है मसूर की, और मैं चढ़ा दूँगी कढ़ाई को। तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, देखो मेरा प्याज टमाटर और हरी मिर्ची को काट के रख लिया है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी थोड़ा सा रिफाइंड, और उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा जीरा, जीरे को, और थोड़ा सा इसमें मैं हींग ऐड कर दूंगी और साबुत मिर्ची। फिर उसको अच्छे से भून लेंगे हम। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज और हरी मिर्ची, इसको हम थोड़ा सा पिंक होने तक भून लेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर को। टमाटर को थोड़ा सा सॉटे करने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है, और उसको थोड़ा सा हम भून लेंगे मसालों को। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें दाल। खाना बन के तैयार हो चुका है, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पीहू के पापा की थाली। किचन का काम ख़त्म हो गया था सबके खाने पीने का, तो यहाँ पे मैं चाय और पीहू के लिए दूध लेकर ऊपर आ गई हूँ अपने रूम में। और यहाँ आप देख सकते हो कि पीहू और उसके पापा साथ में बैठ के पहले तो बातें कर रहे हैं, और फिर बाद में दोनों ने मोबाइल चला रहे हैं, और पीहू तो आराम के साथ बैठ के फ़ोन देख रही है। जब तक मैं कुछ ना कहूँ तब तक वो फ़ोन देखती रहेगी। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट।